अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां लड़की को बाइक का टक्कर लगा तो युवक को समझाइश देने पहुंचे युवक के साथ विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट हुई। इसी दौरान टक्कर मारने वालों की तरफ से राड डंडे और कट्टे लेकर पहुंचे लोगों ने हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी भाग निकले, लेकिन हमलावरों का कट्टा मौके पर गिर गया, जिसे लेकर महिला थाने पहुंची तो पुलिस ने उल्टा उसी के परिवार वालों पर मामला दर्ज कर दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बंसल बस्ती का है। कोतवाली थाना पहुंचे शिव कुमार सुमेंद्र ने बताया कि उसकी भतीजी को सत्येंद्र और उसके भाई सिद्धार्थ ने गाली गलौज किया और जब मोहल्ले के लोग दौड़ाए तो सिकंदर नाम का व्यक्ति अपने घर में छुपा लिया। धीरे धीरे वाद विवाद बढ़ गया और काफी संख्या में लोग एक्ट हो गए। जो मारपीट किया है, मारपीट करने वालों को बचाने के लिए पुलिस उल्टा उनके ऊपर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उल्टा पुलिस उन्हीं का सपोर्ट कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं जमकर हुए उत्पात के बाद थाना पहुंचे मामले को लेकर शिव कुमार ने क्या आरोप लगाए हैं। सन्नो क्या सन्नो समुद्रे क्या मामला क्या है, कैसे आप? मामला ऐसा है भैया कि हमारे घर में पूजा हम लोग कर रहे थे तो मेरी बच्ची, मेरी पोती छोटी सी 3 साल की बच्ची, वो बाहर पटाखे फोड़ रही थी, खेल रही थी। इतने में वो सत्येंद्र उधर से गाड़ी लेके आया, बुलेट लेके आया तो मेरी बच्ची को धक्का मार दिया तो मेरी बच्ची के सर फट गया। तो जब सर फट गया तो उतनी समय हम लोग देख नहीं पाए, इधर उधर देखे, उधर उसकी इधर खून बह रहा था। फिर जब उसको देखे तो खूब सर फटा था, उसका खून खूब निकल रहा था, तो हम लोग रोने लगे उसको देखे। इतने में उसका पिताजी आ गया, मेरा बेटा आ गया तो बोला कहाँ हो गया। तो हम लोग बताए तो वो चला गया उसके घर जताने। तो वो हमारा बच्चा जताया कि तुम हमारी बच्ची को ऐसे ठोकर मार के आए हो यार, और देखे भी नहीं भाग गया, और हमारा इतना सर फट गया है। तो हमारे बच्चे से वो गाली गुजौल करने लगा, हमारे बच्चे को मारने लगा। तो फिर हमारे बच्चे भी मतलब बातचीत होने लगी। इतने में जब हमारा लड़का इधर चला आया तो बहुत सारी अपनी बाल्टी लेके आया है। अब आके वो नितेश जो है, नितेश आया है यहाँ पे कट्टा आके काया, इतनी बड़ी छोटी सी बंदूक लेके खोज के यहाँ आया। तो अब वो पार्षद, वो कबीर पासा ज्योति पासा, ये इन लोगों उसका सपोर्ट कर रहे हैं राजन शुक्ला से सपोर्ट का, क्योंकि उसके सपोर्ट में उन लोगों ने जीता है, ये पार्षद बनी है, इसलिए उसका सपोर्ट करी। वो कहता हम समझाने आए थे, इधर हमारे बच्चों को मारने लगे, आके गोली कट्टा दता लिए, तब मैं वो उठा लिया पिस्तल। अब पिस्तल उठा के हम अपने घर में दिखाए तो सब बच्चे बोले कि हाँ उसको छूना नहीं, ये असली है, और ले आके यहाँ जमा भी कर दिए, यहाँ जब्ती कर लिए, और जब्ती करके कुछ बताने, और हमारे बच्चे आए यहाँ तो हमारे बच्चे को उल्टा बैठा लिए, हमारे देवर को, हमारे बच्चे को। आपने पुलिस में शिकायत किया है? हाँ, शिकायत करे तो 2 घंटे पुलिस वाले हम लोगों को बैठाएं और कोई हमारी सुनवाई नहीं करे। 7 बजे से यहाँ बैठे हैं भैया, और 10 बजे रिपोर्ट लिखे हैं, और उनके साथ पुलिस क्या कर रही है अभी? पुलिस अभी कुछ नहीं करे, नहीं छोड़ा, ये कहती जो नहीं छोड़ेंगे अभी कुछ नहीं। वो जिसको मारे हैं बच्चे को, एक आया था वो नितेश जो गोली लेके आया था, तो उसको मारपीट हो गई भैया। अब पता नहीं उधर वाले मार दिए कि इधर वाले मार दिए, खूब सारे इंसान थे, अब कहा जाने किसने मार दिया। तो उसके में भी सर में भी लग गया है। तो पुलिस कहती है कि वो भर्ती है तो जब तक वो मर जाएगा तो क्या होगा। अगर मेरी बच्ची मर जाती तो क्या होता, मेरी बच्ची 2 घंटे बेहोश थी, आधा घंटा। ये क्या नाम है आपका? शिव कुमार समुद्रे। क्या मैटर है? ये जो हमारी भतीजी है उसको ठोकर मारने के बाद जब हमारा साला गया है समझाने उसको, तो वहाँ से सत्येंद्र, पहले उसके दोनों भाई आए हैं, उसको दोनों भाई क्या, एक नाम सिद्धार्थ, एक नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, वो आए हैं। तो उसके बाद गाड़ी गलौज कर रहे थे, जैसे वो गया फिर उसके पीछे पीछे सत्येंद्र आया है, और सत्येंद्र जैसे आया है तो उतरते ही गाड़ी से रोका है, हमने साले का कालर पकड़ लिया, तो तीदार झट्टा झुट्टी हुआ है। फिर उसके बाद सत्येंद्र कहाँ घुस गया, सिकंदर के घर में। जब सब कोई दौड़े हैं तो सिकंदर के घर में घुसा, तो सिकंदर कहा मैं मारने नहीं दूंगा अपने घर में। तो हमने यही बोला कि भाई चोर मुसेरा भाई, तुम ही है सबको बुलाते हो, गुंडाई करवाते हो, घुसे ले तो भीतर बोलते हो, मैं ऐसे गलत काम नहीं करने दूंगा। फिर इसके बाद जैसे हम लोग वहाँ से चले गए उसके घर से सिकंदर से, तो लोग पता नहीं कितने 10-12 लड़के आए हैं, वो कबीर पासा रितेश और बहुत लोग आए हैं, और लोगों को मैं चिंता नहीं हूँ, ये सब कट्टा बंदूक लेके आए हैं। तो वहाँ मोहल्ले में हमला बोल दिए, तो मोहल्ले के लड़के सब त्यौहार मना रहे थे, सब एक कट्टा दौड़ा लिया, भीड़ में कौन मार दिया कौन नहीं, और हमारी सास ने कट्टा पाया, वो जब यहाँ आके जब तक किया वही कट्टा ला के हमारे साले को ऊपर थोप दिया गया। वो लोग कैसे ऊपर से सपोर्ट लगवा के रिपोर्ट उल्टा लगवा दिए, ये लोग कट्टा मारे थे, जो कि कट्टा हम लोग रितेश से छुड़ाए थे।